ओके हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज WHO. ओके, इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 10. ओके, चैप्टर और यूनिट बोथ आर सेम थिंग, सो यूनिट 10. ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज हेल्थ एजेंसीज. सो इन हेल्थ एजेंसीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन सम डेफिनेशंस ऑफ बेसिक थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन कमिंग डेज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट टॉपिक इज WHO. एवरी वन इज अवेयर ऑफ दिस वर्ड WHO. ओके, सो WHO का जो इंट्रोडक्शन है पहले हम वो कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ओके, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की. WHO वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948. WHO डे जो है एस्टैब्लिश हुआ था कब, 7 अप्रैल 1948. ओके, एस्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 प्लस WHO. ओके, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, ओके, वर्ल्ड हेल्थ डे है, उस दिन भी उसको भी हम 7 अप्रैल पे मनाते हैं. ठीक है, तो ये याद रखना, जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट हुआ था WHO का उसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं. द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज़ लोकेटेड इन जिनीवा. ओके, जिनीवा में जो हेडक्वार्टर है WHO का वो है. WHO serves as directing coordinating authority for international health matters and public health. ओके, जो WHO है वो कैसे काम करता है, वो coordination पे काम करता है international health matters के. ओके, यानी कि जितने भी health matters हैं internationally, तो उससे related जितने भी health related issue है वो WHO देखता है. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ WHO. ओके, तो WHO है वो कंसिस्ट है 3 मेन organ से. ओके, तो दीज आर द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ विच WHO इज मेड अप ऑफ. फर्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड थर्ड इज सेक्रेटेरिएट. ओके, सो बाय दीज थ्री ऑर्गन्स WHO इज मेड देयर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने पीछे जो पढ़ा था कि टोटल कितने तीन बॉडीज है इसके. ठीक है, तीन ऑर्गन्स है. तो फर्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. ओके, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है दिस वन दैट वी आर गोइंग टू रीड इन द अनार नेक्स्ट क्लिप. ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जो कि एक क्या है, पार्लियामेंट है. ठीक है, मतलब कि जो वो क्या है, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है वैसे भी वैसे ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो भी है. ओके, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बाय WHO. ओके, जो असेंबली के जो मेंबर होते हैं, जो हेड होते हैं, ओके, वो क्या है, वो डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग WHO. नाउ इट जनरली मीट्स इन जेनीवा इन मे ईच ईयर. ओके, यानी कि मे के एवरी ईयर में क्या होता है, जेनीवा का मीटिंग होता है. ओके, जिसमें कि डेलीगेशंस कौन होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, 194 मेंबर्स होते हैं. 194 मतलब कि टोटल 194 कंट्रीज़ के. ओके, कंट्रीज़ के मेंबर होते हैं जो कि इसमें डेलीगेशन होते हैं, भाग लेते हैं. ओके, ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO. ओके, करंट जो डायरेक्टर जनरल है WHO के वो है, इनका नाम याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि करंट जो डायरेक्टर जनरल है उनका क्या नाम है. तो द नेम ऑफ द करंट जनरल इज़ डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम. ओके, डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम ये क्या है, एक इथोपियन नेशनलिस्ट के हैं. ओके, यानी कि जो इथोपिया कंट्री है वहाँ के हैं. ठीक है, तो द हेल्थ असेंबली अपॉइंट्स डायरेक्टर जनरल. तो जो हेल्थ असेंबली है वो अपॉइंट करता है डायरेक्टर जनरल को. ओके, करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज़ डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम एंड इथोपियन नेशनलिस्ट हु स्टार्टेड हिज 5-year term on 1st July 2017. ओके, तो लास्ट जो अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर जनरल वो किया गया था 2017 फर्स्ट जुलाई को. ओके, नेक्स्ट इज दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. ओके, सो ये देख के समझ सकते हो आप कि कितने सारे कंट्रीज इसमें भाग लेते होंगे फॉर WHO. ओके, तो नेक्स्ट इज मेन फंक्शन ऑफ असेंबली. ओके, तो विच आर द मेन फंक्शन ऑफ असेंबली. तो फर्स्ट इज
टू डिटरमाइन इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हेल्थ पॉलिसीज़ बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, उसको डिटरमाइन करना, उसको देखना, वो काम होता है असेंबली का। ओके, टू रिव्यू द वर्क ऑफ पास्ट ईयर्स। ओके, यानी कि पास्ट ईयर में कितने काम हुए, किस लेवल का काम हुआ, वो देखना भी काम है। नेक्स्ट, टू अप्रूव द बजट, कितना बजट चाहिए वो भी अप्रूव करना किसका काम होता है, असेंबली का, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। टू इलेक्ट मेंबर स्टेट टू डिजिग्नेट अ पर्सन टू सर्व फॉर 3 years ऑन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, यानी कि क्या होता है, जब भी हमें कोई जब भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को कोई डायरेक्टर जनरल को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टर जनरल को जब भी उसको अपॉइंट करना होता है, तो जो डायरेक्टर जनरल है उसका एक्सपीरियंस, ओके, एज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 3 साल का होना चाहिए। ओके, 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा कि इसको डायरेक्टर जनरल बनना है या नहीं। ओके, सो ये क्या है, ये क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर जनरल के पोस्ट का। नेक्स्ट इज सुपरवाइजेस द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिव्यू एंड अप्रूव्स द प्रपोज्ड प्रोग्राम बजट। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का दूसरा काम क्या है कि जो फाइनेंशियल पॉलिसीज है, ओके, यानी कि पैसे को लेकर के, आर्थिक चीज़ों को लेकर के जो पॉलिसीज बनती है, उसको रिव्यू करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और फिर उसको अप्रूव करवाना विद देयर बजट, ये किसका काम होता है, मेन फंक्शन इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव बोर्ड। हमने क्या पढ़ा था, टोटल 3 ऑर्गन पढ़ा था, फर्स्ट वाज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, सो दिस इज एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है, तो द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज कम्पोज ऑफ 34 मेंबर्स टेक्निकली क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। ओके, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं, टोटल इसमें 34 लोगों मेंबर को अपॉइंट किया जाता है जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं हेल्थ रिलेटेड फील्ड में। ओके, नेक्स्ट इज मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 3 years टर्म्स। ओके, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, 3 साल के टर्म पर इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द मेन फंक्शन ऑफ बोर्ड आर टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजन पॉलिसीज ऑफ द हेल्थ असेंबली एंड टू एडवाइज इट जनरली टू फैसिलिटेट इट्स वर्क। ओके, अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेन फंक्शन क्या होता है कि जितने भी डिसीजंस मेकिंग होते हैं, पॉलिसीज बनाए जाते हैं हेल्थ असेंबली में, ओके, तो इसको क्या करते हैं, वो लोग अपनी एडवाइस देते हैं, ओके, कि इसमें मतलब वो लोग क्या बेटरमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। ओके, तो मेन काम क्या होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, कि अपना बेस्ट एडवाइस, जो बोर्ड होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जितने लोग होते हैं, वो बेस्ट एडवाइस देते हैं किसको, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को। ओके, तो इनका ये क्या है, मेन काम था। नेक्स्ट देखो, ये पिक्चर है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, तो द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड गिव्स इफेक्ट टू द डिसीजन एंड पॉलिसी फॉर असेंबली। ओके, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, ये इफेक्ट देता है जो बेस्ट डिसीजंस होते हैं, बेस्ट पॉलिसीज मेकिंग होती है, वो क्या करता है, असेंबली को प्रोवाइड करते हैं। ओके, ओके, सो ये काम क्या होता है इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बोर्ड कैन टेक एक्शन इन इटसेल्फ इट इमरजेंसी सच एज एपिडेमिक, अर्थक्वेक, ओके, सो ये क्या काम, फर्स्ट इसका क्या काम होता है, बोर्ड कैन टेक एक्शंस फॉर इटसेल्फ इमरजेंसी सच एज एपिडेमिक, अर्थक्वेक, फ्लड, वेयर इमीडिएट एक्शन इज नीडेड। ओके, यानी कि जो फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव का, वो क्या होता है कि इमरजेंसी पे जब भी एपिडेमिक हो या अर्थक्वेक आए, ओके, तो उस टाइम में क्या होता है, वो लोग इमीडिएट एक्शन लेते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का क्या काम होता है, द सेक्रेटरीट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल हु इज टेक्निकली एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सेक्रेटरीट का क्या काम होता है कि वो जो डायरेक्टर जनरल होता है उसको टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है जिसको कि वो ऑर्गेनाइज करता है। ओके, यानी सेक्रेटरीट क्या करता है, हेड करता है डायरेक्टर जनरल को। ओके, उसका फंक्शन क्या होता है, तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ WHO सेक्रेटरीट इज टू
provide member state with technical and managerial support for their national health programs. ओके सो काम क्या होता है इसका सेक्रेटरीट का कि जो WHO सेक्रेटरीट है वो क्या करते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं उसको टेक्निकल और मैनेजरियल सपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को बनाने के लिए प्रोवाइड करते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट इज पर्पस एंड वर्क ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके तो उसका क्या पर्पस होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का. तो फर्स्ट इज टू आर्टिकुलेट कंसिस्टेंट इथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एडवाइस पोजिशन. ओके तो जितने भी एथिकल और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनते हैं ना उसको क्या करते हैं ये लोग उसको एडवोकेसी यानी कि इसका जो पोजिशन है उसका क्या है उसका रोल क्या है वो पता करते हैं. ओके नेक्स्ट इज मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन बाय असेसिंग ट्रेंड्स एंड कंपेयरिंग परफॉर्मेंस. ओके तो जितने भी मैनेजिंग रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ओके इसको न्यू ट्रेंड्स में कन्वर्ट करके यानी कि न्यूली अभी क्या ट्रेंड चल रहा है उससे कंपेयर करके जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है ना इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो लोग क्या करते हैं इसमें अपना भाग देते हैं. ओके नेक्स्ट इज नेगोशिएटिंग एंड सस्टेनिंग नेशनल एंड ग्लोबल पार्टनरशिप. ओके तो क्या करते हैं ये लोग नेगोशिएट करते हैं मतलब कि जैसे हम भाव का नापतोल करते हैं ना वैसे ही नेगोशिएट भी बोलते हैं. तो नेगोशिएट करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए. ओके नेक्स्ट इज सेटिंग एंड वैलिडेटिंग मॉनिटरिंग परसुइंग द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड. ओके तो यानी कि पर्टिकुलरली जितने भी नॉर्म्स बनते हैं उसको वैलिडेट करते हैं उसको मॉनिटर करते हैं उसकी सेटिंग को देखते हैं और फिर उसको परस्यू करते हैं. ओके इसका स्टैंडर्ड जो है उसका वैल्यू देखते हैं उसका. नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिंग डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द डिजीज कंट्रोल रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी. ओके नेक्स्ट क्या करते हैं ये लोग अभी डेवलप करते हैं टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी को. ओके जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वर्ल्ड में टेस्टिंग के लिए स्पेशली उसको गाइडलाइंस उसका जो गाइडलाइंस होता है वो फॉलो करते हैं ताकि जो डिजीज़ कंट्रोल है उसको कम किया जाए उसका रिस्क को कम किया जाए और उसको अच्छे से मैनेज किया जाए उसका जो सर्विस है वो हर लोगों तक डिलीवर हो. ओके तो ये क्या काम होता है पर्पस होता है WHO का. ओके नाउ फंक्शंस ऑफ WHO इज फर्स्ट फंक्शन इज टू स्टिमुलेट एंड एडवांस वर्क टू इरेडिकेट एपिडेमिक एंडेमिक एंड अदर डिजीज. ओके तो उसका जो भी फर्स्ट फंक्शन क्या है WHO का कि वो लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसका प्रोग्राम बनाने का मकसद क्या होता है कि कोई भी एंडेमिक डिजीज़ है पैंडेमिक डिजीज़ है और कोई अदर डिजीज़ है उसको उसके ऊपर काम कर सके एडवांस वर्क. ओके नेक्स्ट इज टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ. ओके तो उनका नेक्स्ट काम क्या होता है अपना कोऑपरेशन देते हैं साइंटिफिकली और प्रोफेशनल ग्रुप्स को. ओके ताकि क्या हो सके जो हेल्थ है उसमें एडवांसमेंट लाया जा सके. ओके नेक्स्ट इज टू प्रमोट मैटरनल चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर एंड टू फॉस्टर द एबिलिटी टू लिव हारमोनियसली इन अ चेंजिंग टोटल एनवायरनमेंट. ओके नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है MCH है उसके वेलफेयर के लिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके प्लस जो टोटल एनवायरनमेंट में चेंजिंग हो रहा है उसको हारमोनियसली यानी कि पीसफुली वो चेंजेस को सर्व करें. ओके नेक्स्ट इज टू प्रमोट एंड कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. ओके ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च वर्क है वो किया जाए ताकि जितनी भी हेल्थ में न्यू एडवांसमेंट आनी है वो आ सके. ओके सो ये क्या था हमारा फंक्शंस था फंक्शन था किस चीज़ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके होपफुली आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.